और एक एक करके सारे राज्य हार गए। अब केवल ढोलकपुर राज्य बाकी है। और भीम जैसे बहादुर के होते हुए कोई आसानी से हार कैसे मान सकता है? सच में कैसे? राजू, तुम इन धनुर्धारियों की कमान संभालोगे और दुश्मनों को हराने के लिए तुम जो कर सकते हो करोगे। और कालिया, तुम्हारे ऊपर किरमाड़ा के सबसे ताकतवर सैनिकों को हराने की जिम्मेदारी है, जिससे कि उनके हारने के साथ ही युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और ज्यादा खून खराबा न हो। और जग्गो, तुम मेरे दूत बनोगे और दुश्मनों की हर बात की खबर मुझे सबसे पहले लाकर दोगे। देखा, वो यहीं पर थे। से हटाओगे? मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरा नाम कान्हा है और हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे दोस्तों की बात है, वो वहीं जाते हैं जहाँ मैं जाता हूँ। अंदर चलो, कोई बड़ा तूफान आ रहा है। जानवरों के साथ झोपड़ी में आ जाओ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भीम। हम सभी नदी के दूसरे किनारे पर पड़ी उस चट्टान तक रेस लगाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हरा दिया तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। जब वो पास आए उन्हें आने देना, हम उन पर ऊपर से प्रहार करेंगे। ठीक है। कौन हो? वापस जाओ अभी। ठीक है भीम। वहां नहीं, ऊपर जाओ। सब कैसे जानते हो? तुम वो नहीं जो दिखाई देते हो। कौन हो तुम? पहले उससे लड़ाई करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हर रास्ते में। भीम, खत्म करो इसे। छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। संकट के जब बादल छाए, छोटा भीम घबराए, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम।
ढोलकपुर में खतरा छाया, किरमाड़ा सिर पे मंडराया। चिंता में छोटा भीम आया, भाई से सबका मन घबराया, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। खुश है मन ही मन के अंदर, छुटकी राजू जग्गू बंदर। छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर कान्हा आए, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं कृष्णा।